देश बेबस है। मणिपुर में जो हो रहा है पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है। हम कहते थे वो अभिन्न अंग है तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है कहीं जाने के लिए। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। विपक्ष की पार्टियों पर रेट डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका लाभ फायदा पहुंचवा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं कही जा सकती है। जिस प्रकार जुडिशी पे दबाव, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेट डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचवा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने। सिर्फ जब शुरुआत हुई थी तो मेरे को उचित नहीं है मैं जाके मिलूं उनसे, और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी प्रीमियर एजेंसियाँ देश की है। ये जुडिशी का इम्पोर्टेंस है, जुडिशी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान किसको है, देश को है। क्यों बनी एजेंसी है? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई हो चुकी है, पहले हर सीबी के नाम लेता था, कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए, और था सीबीआई का था। अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रीज बड़े बड़े होते थे और यहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह अगर प्रूव हो जाती थी इरेगुलरिटीज तो ईडी घुसती थी वहाँ पर, अब पॉलिटिशियन में घुसने लग गई है सब जगह। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। ये जो मैंने उस वक्त टाइम मांगा था तीनों से, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आकर के। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, 5.5 करोड़ की जनता से ज़्यादा वहाँ पर है, 5.5 करोड़ तो 7 करोड़ के लगभग आबादी है, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नीचे जा रही है, जो नहीं जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता बनी रहे बल्कि आगे और बढ़े। हम आपके साथ हैं। जहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही है, करप्शन हो रहा है, क्राइम हो रहा है, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, तत्काल करो, जेल भेजो, अटैच करो प्रॉपर्टी, हम स्वागत करेंगे आपका। पर जिस प्रकार से आप इशारों पर
ऊपर के दबाव पर ये साफ जाहिर पूरा देश देख रहा है, तो गांव में तो भी चर्चा होने लगी, गांव के अंदर भी कि ये क्या हो रहा है, गांव में चर्चा होने लग गई है। अब तो कई जगह ईडी वाले खुद ही जाके कहते हैं हम आधे घंटे बाद आने वाले हैं, आप थोड़ा देख लीजिए अपना आपको। ये स्थिति बन गई है जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, जो बातें चलती रहती है, तो ये उचित नहीं है। मैं इस मौके इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे RPSC के हो चाहे वो UPSC के हों, एग्जाम देके पास होके आते हैं, एक प्रकार शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का, हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार बन गई है जैसे आप देखा होगा, और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल का शासन था UPA का, आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं, 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे, आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए, कहाँ तो 10 साल में 112 का 9 साल के अंदर 3010 छापे। 4 चीज पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी, इसका मतलब जेन्युइन छापे डाले गए थे 93%। अब है सिर्फ 888 जगह चार्जशीट पेश हुई है, मतलब सिर्फ 29% हुई है। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा जो आपको अंतर महसूस हो रहा है वो चिंताजनक है। इसका मतलब है कि 3000 छापे डाले गए हैं, उनमें क्या बीती होगी जिनको आप 800 के लगभग आप वहाँ पे चार्जशीट पेश कर पाए हो। जब छापे डाल दिए आपने, 9 साल हो गए, चार्जशीट पेश क्यों नहीं कर रहे आप? तो ये मैं इस रूम के अंदर आप सबको हाजिर नाजिर रख के ये कहना चाहूँगा एजेंसियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, TV देखता हूँ, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन आते हैं आप लोगों के, अच्छे से अच्छे राइटर्स बैठते हैं, लेखक साहित्यकार बैठते हैं, जिनों मंद है, देश देख रहा है, बेबस है देश। आप मेरी भावना की कदर करना, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कदर करोगे। देश बेबस है, मणिपुर में जो हो रहा है पूरा मुल्क का एक हिस्सा है, वो अभिन्न अंग है, हम कहते थे वो अभिन्न अंग है, तो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है क्या? पूरा देश बेबस है और प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है एक दिन जाने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो जाए वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सबको मालूम है, CM ने क्या कहा, मीडिया ने क्या क्वेश्चन पूछे, सब मालूम है आपको। तो क्या हो रहा है,